Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Pooja Kushal Shah, wishing you all a very happy new year to you and your family. Have a great and successful years ahead. अभी दिवाली चल रही है और हम लोग ऐसे लोग हैं ना कि जो बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं, लाइट्स हो, फायरवर्क्स हो या गिफ्ट्स हो, सारी चीज़ों से हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और अच्छा अच्छा खाना भी हम नहीं छोड़ते हैं खाना। अब यहाँ पे दो तरीके के लोग होते हैं। पहले ये होता है कि जो अपना डाइट नहीं छोड़ता है और कुछ भी खाना नहीं खाता है, भले उसको पता है वो अनहेल्दी है इसके लिए नहीं खाता है, लेकिन बाद में वो रिग्रेट करेगा। दूसरा ये होगा कि अभी सब डाइट छोड़ दिया है और अच्छे से दबा के खा रहा है। और तीसरे ये होंगे कि उन्होंने अपनी लिमिट्स बांध के रखी है, तो जो तीसरा है वो रिग्रेट नहीं करेगा। लेकिन जो पहले दो टाइप में आते हैं ना, वो सारे लोग रिग्रेट करने वाले हैं बाद में, दिवाली खत्म होते ही। क्योंकि पहला इसके लिए रिग्रेट करेगा कि उसने कुछ नहीं खाया, उससे अच्छा होता कि उसने खा लिया होता। दूसरा ये होगा कि जो अच्छे से दबा के खा रहा है ना, वो बंदे को तो बहुत अच्छे से रिग्रेट होगा, क्योंकि वो अभी जितना खा रहा है उतना रिजल्ट भी उसको इतना अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, वेट गेनिंग के रूप में। तो अगर आप लोग ये दोनों के पैरामीटर्स में नहीं आना चाहते और आज मैं आपको ऐसा कुछ बताऊँ कि जिससे आप अपना फेस्टिवल मूड डिस्टर्ब किए बिना अच्छा अच्छा खाना खा के भी, डाइट छोड़ के भी वेट लूज कर सके, तो आज मैं ऐसी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ कि आपको चीट डे रखना है और चीट डे आप पूरा दिवाली फेस्टिवल में रख सकते हो और जो दो तीन और दिन बचे हैं उसमें भी आप रख सकते हो। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही दिन, आप पूरे दो तीन दिन अच्छे से खाना खा सकते हो, लेकिन उसी कुछ पैरामीटर्स है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप ये फॉलो करोगे, जो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा और आपको कोई भी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने क्यों नहीं खाया। चीट डे में बस आपको ये ध्यान रखना है दैट यू डन इट अंडर अ राइट पैरामीटर्स। तो आज मैं आपको ऐसी 9 ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो आप खाना खा के अपना फेस्टिवल मूड इंजॉय करके भी वेट लूज कर सकते हो, वेट गेनिंग का आपको कोई कंसर्न रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऐसा क्लेम किया गया है कि चीट मील भी आपको वेट लूज में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि वो आपके खाने में बहुत ज्यादा सुधार लाता है। अब आप मुझे बोलोगे कि चीट डे में हम अनहेल्दी ही खाते हैं, मैं भी अनहेल्दी ही खाना खाती हूँ चीट डे में। कुछ लोग होते हैं जो हेल्दी खाना ही चीट डे में भी ज्यादा खाना पसंद करते हैं, मतलब जितना वो एवरीडे कैलोरी कंज्यूम करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा वो खाते हैं, उनको वो चीट डे में इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग अनहेल्दी खाना ही खाते हैं चीट डे में। तो चीट डे में अपना खाने में सुधार किस तरह होता है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, और वही मेरी आज की हेल्दी बेनिफिट टिप भी होगी। तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूले, स्किप मत करना, क्योंकि मैं बहुत लंबे वीडियोस नहीं बनाती हूँ, इतने तो आप देख ही सकते हो। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हो तो मेरी फैमिली में जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर दो, जो रेड कलर का सब्सक्राइब का आइकॉन है बस आपको उस पर क्लिक करना है। आप मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हो, आप कुछ सजेशंस भी दे सकते हो, बिकॉज यू ऑल आर माई फैमिली, माई यूट्यूब फैमिली, तो आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हो। और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से देख लेना। अगर नहीं पता चलता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और गाइस, आपने सब्सक्राइब कर दिया, उसके बाद जो बेल आइकन है आप उस पर भी क्लिक कर दो, ताकि मैं जब भी कोई वेट लूज का अच्छा वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको कहीं पे भी ढूंढना ना पड़े। तो ओके गाइस, चलो लेट्स स्टार्ट। अगर आप चीट डे में स्वीट्स खाना चाहते हो तो स्वीट्स को क्या करो, आप एक छोटे से बाउल में स्वीट्स ले लो या फिर उसके 3-4 टुकड़े ले लो, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है वो ही, उसी के 3-4 टुकड़े ले लो, सारी मत लेना, और बस उसे खा लो। लेकिन दिन में सिर्फ 3 और 4 टुकड़े मैक्सिमम ही खाना, उससे ज़्यादा मत खाना। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो हेल्थी टिप दी थी वो ये थी कि आपको कभी भी अपनी स्वीट्स और डेजर्ट्स, अगर आप जो भी खा रहे हो उसको आपको अपने मील में कंबाइन नहीं करना है, मतलब आप जो भी मील ले रहे हो उसके साथ में आपको स्वीट्स नहीं खानी है। मील के अलावा आप स्वीट्स खा सकते हो, लेकिन उन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 1 और 1.5 आवर का डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप अपने चीट डे में फ्राइड चीजें खा रहे हो, फ्राइड स्टार्टर खा रहे हो, तो जो भी चीजें आपको पसंद है उसमें से जो भी आपको लेना है वो आप बाउल में मत लो, क्योंकि बाउल अगर डीप होगा तो उसमें पूरा भर जाएगा और आपको क्वांटिटी का पता नहीं चलेगा। तो आप उसको अपने प्लेट में ही खाना पसंद करो, क्योंकि प्लेट में अगर क्वांटिटी ज्यादा भी हो गई तो आपको पता
पता चलेगा कि नहीं मुझे इतना सारा नहीं खाना है और आप अपनी कैलोरीज पे कंट्रोल कर सकते हो। और जितनी भी आइटम्स वहाँ पे फ्राइड होगी उसमें से सिर्फ कोई भी एक चीज जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है वो ही चूज कीजिए, सारे की सारे लेके मत बैठ जाना, वरना बाद में आप ही रिग्रेट करोगे कि मैंने क्यों खाया। क्योंकि अभी आप एक चीज तो खा ही रहे हो, क्या फर्क पड़ता है चार खाओ पांच खाओ, ये ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही खाओगे तो आपको जो टेस्ट चाहिए वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बस एक ही चीज खानी है एक दिन में। फॉर अ जंक फूड अगेन मैं वही कहूंगी कि एक ही चीज आप खाइए जंक फूड में भी, क्योंकि जंक फूड में बहुत ही ज्यादा कैलोरीज होती है। तो मैं जितनी भी चीजें आपको बता रही हूँ एक दिन में बस आपको एक ही खानी है, इससे ज्यादा नहीं खानी है। और इसमें से सारी चीजें आपको नहीं खानी है, कभी कभी थोड़ी थोड़ी आप खा सकते हो। तो अगर आप जंक फूड खाना पसंद कर रहे हो अपने चीट डे पे तो बस आपको एक ही बार लेना है और कोई भी एक चीज ही आपको खानी है, उससे ज्यादा नहीं खानी है। और अगर आप जब जंक फूड खाना चाहते हो ना तब आपको वो अपना चीट डे ना प्री प्लान करना चाहिए ताकि आप उसकी कैलोरीज को काउंट कर पाओ और आपको उसका नेक्स्ट डे का रिजल्ट भी मालूम हो कि कितना वेट बढ़ेगा और कितना वेट नहीं बढ़ेगा। स्पेशली जब आप जंक फूड खा रहे हो तो आपको अपना चीट डे प्लान करना ही चाहिए, क्योंकि मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे पता होता है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें खा ली है जितना भी मुझे पसंद है ना सब मैंने खा के काउंट कर चुकी हूँ। क्योंकि मैं अगर पाव भाजी खाती हूँ तो नेक्स्ट डे मेरा वेट कितना बढ़ता है, मैं बर्गर खाती हूँ तो नेक्स्ट डे मेरा वेट कितना बढ़ता है, मैं नूडल्स खाती हूँ तो नेक्स्ट डे मेरा वेट कितना बढ़ता है, सारी चीज़ें मैंने काउंट कर ली है। तो जब मेरा वेट अंडर कंट्रोल होता है तब मैं कुछ ना कुछ खाना पसंद करती हूँ, लेकिन उसी हिसाब से कि जिससे मेरा वेट उतना ना बढ़े। तो जो कैटेगरी में आता है वो मैं फिर खा लेती हूँ कि इतना वेट बढ़ेगा तो चलेगा, तो वो कैटेगरी में जो भी चीज आती है फिर मैं वो खाना पसंद करती हूँ। इसलिए जब भी जंक फूड खाओ अपना चीट डे प्री प्लान करो। आप जब भी दिवाली पार्टीज के लिए बाहर जा रहे हो तो उससे पहले अपने ही घर पे आपको क्या करना है, एक बाउल सलाद या फिर एक बाउल रायता या फिर सूप आपको पी के जाना है। उससे क्या होगा, आपका पेट थोड़ा सा भर जाएगा तो आप अनहेल्दी खाना ना कम खा पाएंगे। तो आप जाइए दिवाली पार्टीज इंजॉय कीजिए, लेकिन उससे पहले अपने ही घर में सूप रायता या फिर मैंने जो कहा वो सलाद, ये तीन में से कोई भी एक चीज खा के जाइए। ड्रिंक वन और टू ग्लास वाटर बिटवीन मील्स मैंने कहा है, मील के बीच में नहीं कहा है, सुबह का या शाम का जो भी मील होता है या फिर एक दो ग्लास तो बहुत ही कम है, आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है तो अपने मील्स के बीच में बहुत सारा पानी पीजिए। और स्पेशली जब आप बाहर हो तब तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी से ना बहुत अच्छे से पेट भर जाता है। तो पेट भर जाएगा तो आप अनहेल्दी खाना भी नहीं खाओगे और आप बाहर हो इसके लिए आप वेल हाइड्रेट भी रहोगे, तो आपको पानी पीना ही चाहिए, वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो भी चीट डे में खा रहे हो उसको ना आप बहुत सारा अपनी प्लेट में लेके मत बैठिए, थोड़ा थोड़ा लीजिए और स्मॉलर पोर्शन में खाना पसंद कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपको ज्यादा नहीं खाना है और इससे आपकी कैलोरीज भी ज्यादा इंटेक नहीं होगी और वेट भी नहीं बढ़ेगा। और आप थोड़ा खाओगे या बहुत सारा खाओगे आपको टेस्ट तो उतना ही मिलने वाला है। तो थोड़ा स्मॉलर पोर्शन में खाइए, टेस्ट लीजिए और एंजॉय कीजिए। हम इंडियंस लोग ऐसे होते हैं ना कि हमारे घर में कोई मेहमान आए या फिर हम किसी के घर में मेहमान बन के जाते हैं तो जो अच्छी अच्छी चीजें होती है ना वो हम लोग बहुत ही ज्यादा फोर्स करके उनको खिलाते हैं कि नहीं आपको बस एक रसगुल्ला और तो खाना ही पड़ेगा, नहीं आपको एक जलेबी तो और खानी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप डाइट पे हो तो आपको ये चीज अवॉइड करनी है, क्योंकि आप जो चीजें खाना चाहते हो ना एक्चुअल में जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है आप बस वही खाइए, जो चीज आपको नहीं पसंद है और आपको फोर्सफुली खिलाया जा रहा है वो चीजें आप मत खाइए। उनको कह दीजिए कि भाई मैं नेक्स्ट ईयर पक्का खा लूंगा या खा लूंगी, अभी आप मुझे छोड़ दो, अभी मैं नहीं खा सकता हूँ। तो जो चीज आपको सच में ट्रूली आप खाना चाहते हो वही खाइए, दूसरी सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। बहुत ही सोचने और समझने के बाद आप अपना मील और स्नैक जो है वो चूज कीजिए, क्योंकि अगर आपने अच्छी तरह चूज नहीं किया तो आपको दिक्कत होगी। आपको इस तरह अपना हेल्दी स्नैक और हेल्दी मील चूज करना है जिससे आपको दोनों मील्स के बीच में जो गैप होता है वहां पे आपको भूख ना लगे, आप अपना पेट फुल ही फील करो, ऐसी चीजें आप पसंद कीजिए और आप ओवर ईटिंग से बच पाए, ऐसी चीजें ही आपको पसंद करनी है। तो सोचिए समझिए और उसके बाद ही अपना खाना चूज कीजिए।
फेस्टिवल का खाना ना बहुत ही ज्यादा हैवी होता है, तो जब भी आप हैवी खाना खाते हो तो उसके बाद आपको लाइम शॉट्स पीना है, लेकिन याद रखिए उसमें आपको सुगर और सॉल्ट ऐड नहीं करना है, सिर्फ आप लाइम शॉट्स ही पीजिए विदाउट सॉल्ट एंड शुगर। उसके बाद आपको रात को क्या करना है, सोने से पहले आपको अजवाइन, जीरा या सौंफ इसमें से कोई भी एक चीज का पानी बना के पी लेना है, और सुबह मॉर्निंग में आपको गर्म पानी में सिनेमोन ऐड करके पीना है। तो ये जितने भी हेल्दी शॉट्स है वो आपको क्या करेंगे, आपका जो हैवी खाना है ना उसको बहुत ही इजी डाइजेस्ट होने देंगे और आपका वेट भी बढ़ने नहीं देंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको अपनी एक्सरसाइज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आप चीट डेज पे हो तो आप अपना डाइट फॉलो नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देना ही देना है। अगर फेस्टिवल है आप नहीं एक्सरसाइज के लिए जा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आपकी जो रेगुलर एक्टिविटी है लाइक फास्ट वॉकिंग, स्विमिंग या डांसिंग, अगर आप इसमें से कुछ भी करते हो तो आपको वो चालू ही रखनी है, क्योंकि ये ऐसी एक्टिविटीज है जो 1 आवर में 600 to 800 कैलोरीज बर्न करती है, और ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको नहीं पता कि कौन सी एक्टिविटी कितनी कैलोरीज बर्न करती है तो उसके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जब ये मेरा वीडियो खत्म होगा आपको स्क्रीन पे ही वीडियो दिख जाएगा, आप वहां पे टच करोगे तो डायरेक्ट वो वीडियो तक पहुंच जाओगे, तो एंड में वो वीडियो भी एक बार देख लेना कि आपको भी पता चले कौन सी एक्टिविटी जो आप कर रहे हो उससे कितनी कैलोरीज बर्न हो रही है। उसके बाद ये एक्टिविटीज अगर आप नहीं कर पा रहे हो ये भी, तो आप एक काम कीजिए, आप जब भी ऊपर या नीचे कर रहे हो तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, अपस्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करें, उससे ही आप अपने घर जाए, अपने घर से उतरे, यही चीज आपको बस ध्यान में रखनी है। ये थी आज की 9 ट्रिक्स। एक्चुअली अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो मैंने 10 ट्रिक्स बताई है, तो ये थी आज की मेरी 10 ट्रिक्स जिससे आप फेस्टिवल में अच्छा खाना खा के भी विदाउट कंसर्न कि आपका वेट गेन होगा और आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हो, वेट भी नहीं बढ़ेगा, बस आपको अच्छी तरह ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं करना है। और मैंने अपने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि चीट डे किस तरह आपके खाने में सुधार ला सकता है, और यही आज की हेल्थ बेनिफिट टिप यही है कि आपको क्या करना है, जब भी आप चीट डे रखते हो, लाइक समझो आप वीक में एक बार चीट डे रखते हो, अभी मैं दिवाली का नहीं बता रही हूँ, मैं रेगुलर डेज का बता रही हूँ, कि अगर आप वीक में एक बार चीट डे रखते हो तो जब भी आप चीट डे रखोगे डेफिनेटली आप अनहेल्दी ही खाना खाओगे, तो नेक्स्ट डे आपका वेट पक्का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जब आप अपना वेट स्केल देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये मैंने गलत खा लिया, क्योंकि अभी मेरा अच्छा प्रोग्रेस हो रहा था और मैंने खामखा 500 ग्राम या 1 किलो वेट ये चीज खा के बढ़ा लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलोरी वाला खाना नेक्स्ट डे आपका 500 to 1 kg वेट बढ़ाता ही बढ़ाता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा डोंट वरी, लेकिन इतना भी बढ़ाता है, लेकिन हमें ही पता है कि 1 kg वेट लूज करने में हमने कितने पसीने बहाए हैं, राइट गाइस? तो वो जो वेट स्केल है ना वो देख के आप खुद ही मोटिवेट हो जाओगे कि नहीं मुझे अब ये नहीं खाना है। तो जब आप वीक में एक बार जो आप चीट डे रखते थे ना उसकी जगह आप 15 दिन में एक बार चीट डे रखने लगोगे और आप खुद ही मोटिवेट होते जाओगे। तो ये थी आज की हेल्थ बेनिफिट टिप कि अगर खाते हो तो ध्यान रखो क्या खाते हो और कितना खाते हो। और गाइस अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर भी प्रेस कर दो, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे वेट लूज के वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो आप ये मिस ना करो, लाइक करो, शेयर करो, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट भी करो। चलो गाइस हैप्पी न्यू ईयर अगेन, एंजॉय योर दिवाली फेस्टिवल, टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड विद मी, आई एम पूजा कुशांसा, हैव अ ग्रेट एंड सेफ न्यू ईयर, ओके गाइस बाय, सब्सक्राइब।